इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरा जो डिस्प्ले का आइकॉन है, डिस्प्ले साइज का जो फॉन्ट है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा साइज में दिख रहा है जो मेरा फॉन्ट स्टाइल है, और आइकॉन का भी साइज मेरे पीसी में बहुत बड़ा हो गया है। तो आप अगर इसे छोटा करना चाहते हैं, इस फॉन्ट स्टाइल को आप स्मॉल में आइकॉन में चेंज करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि इस प्रॉब्लम को आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और आप इसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप न्यू यूजर हैं, जिन्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरीके से ठीक करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्ट मेनू में आ जाने के बाद आप सेटिंग से भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी यहां से कर सकते हैं। आप माउस के राइट बटन को क्लिक कीजिए। राइट बटन को क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन पे क्लिक करना है। स्क्रीन रेजोल्यूशन पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं रिजोल्यूशन। चाहे आप विंडोज 7 हो, 8 हो या फिर 10 हो, सेम उसी प्रोसेस है। आपको माउस के राइट बटन को क्लिक करना है, उसके बाद आपको प्रश्न में जाना है रेजोल्यूशन में, और यहाँ से आपको देख सकते हैं रेजोल्यूशन टाइप पे आपको लो है तो आपको यहाँ पे हाई कर देना है, और हाई करने के बाद दोस्तों, या फिर आप मीडियम भी कर सकते हैं, जितना बड़ा आप फॉन्ट चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। देख सकते हैं, जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कीजिएगा, आपका फॉन्ट स्टाइल स्मॉल आइकॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हाई करने के बाद सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई करने के बाद आपको कीप चेंज पे क्लिक कर देना है। तो कीप चेंज पे करने के बाद ओके पे क्लिक कीजिए। देन आप देख सकते हैं, मेरे कंप्यूटर की जो आइकॉन का फॉन्ट साइज है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो चुका है और काफ़ी अच्छा दिखने में लग रहा है। पहले जो था उसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही डल दिख रहा था। तो अगर आपके भी पीसी में इस तरीके की कोई समस्या आ रही है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिला होगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।